कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है बर्न गार्लिक पराठा, लक्षा पराठा। तो बहुत आसान सा है, घर में आप इसे कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 से 16 लहसुन की कली को ले लेंगे और उसको हम या तो आप ग्रेट कर लीजिए या इस तरीके से इसको या तो बारीक चॉप कर लीजिए या ऐसे इसको कूट लीजिए। कूटने से क्या है ना, और ताज़ा रहेगा ये लहसुन, तो इसका जो फ्लेवर आएगा ना बहुत अच्छा रहेगा और पराठे में जो फ्लेवर इन्हेंस होके आएगा, तो ताज़ी चीज़ों का टेस्ट ही अलग रहता है। तो चलिए इस तरीके से देखिए, मैंने इसको कूट लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कूटने के बाद मैं इसको कलेक्ट कर लेती हूँ पूरा ऐसे। उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच अच्छे से घी ऐड करेंगे और इसको मेल्ट हो जाने देते हैं घी को। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन को जो हमने कूटा है उसको ऐड कर देंगे। कूटा हुआ लहसुन हमें बहुत अच्छे से भूनना है, बॉन्ड मतलब जो एकदम लहसुन हो जाता है ना, रेड ब्लैक रेड कलर आ जाता है ना इस तरीके से, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। इस तरीके से देख रहे हैं आप तो कितना अच्छा कलर आया हुआ है ऐसे। तो उसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम उसका डो लगा लेते हैं। डो के लिए 1 कप हमने मेजरिंग कप से आटा लिया हुआ और सेम मेजरिंग कप से हम मैदा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसमें मैंने कुछ रेड चिली फ्लेक्स और हरी धनिया पत्ता काट के रखा हुआ है। तो चलिए पहले हम डो लगा लेते हैं। डो हमें हल्का सा टाइट लगाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा मतलब सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, तो हल्का सा हम टाइट लगा लेंगे ऐसे। और इसको हम थोड़ा सा रख देंगे ढक के, आप चाहें तो इसको ढक के रखिए, चाहें तो तुरंत बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे 5 मिनट बाद, तो आप देख रहे हैं आटा सॉफ्ट हो गया है हल्का सा। और इसको अगेन हम ऐसे करके कर लेंगे जिससे कि जो भी रह गया ना वो भी बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा, आटा डो जो हमने लगाया वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो हम एक जिसपे आप रोटी बेलते हैं उसको ले लेते हैं इस तरीके से, और उस पर एक पोर्शन हम डो से कट कर लेंगे ऐसे इतना बड़ा ये, और इसको ऐसे कर लेंगे। अब जो थोड़ा सा हम मैदा या आटा सूखा डाल देंगे और इसको रोटी की तरह हम बड़ा सा बेल लेंगे। तो ना ज़्यादा मोटा रखना है, ज़्यादा पतला रखना है, ऐसे रोटी बेल लेंगे हम। आज आपको 2 तरीके से बता रहे हैं गार्लिक लच्छा पराठा, तो आपको जो आसान लगे आप उससे बना लीजिए। तो सबसे पहले जो हमने लहसुन फ्राई किया हुआ है अच्छे से, उसको हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे इस पर। और सेट कर देंगे इसको चारों तरफ रोटी पे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया पत्ता और रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे एज़ पर टेस्ट। और एक नाइफ ले लेंगे, नाइफ से हमें क्या करना है, 1 बीस से हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे। तो पहला पहला जो तरीका है वो हम बताएंगे, ऐसे कट लगा देंगे और इसको चारों तरफ से हम रोल कर लेंगे। कट लग गया है तो चलिए रोल करके मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ले लेंगे, टर्न करते हुए चले जाएंगे ऐसे जी। तो हमें ज़्यादा इसको दबा के टर्न नहीं करना है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, नॉर्मल इसको हमें ऐसे टर्न करते रहना है। ये चीज़ है,
आसानी से टर्न करने के लिए एक फिंगर आप आगे रख लीजिए, एक पीछे रख लीजिए, बहुत आसानी से ही टर्न हो जाएगा ऐसे। अब इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे साइड से और खड़ा कर लेंगे इसको ऐसे हाथ पे या जो भी चौपी उस पर रोटी बेलने वाला है पतला, और इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि लेयर्स जो रहें ऊपर बनी रहें इस तरीके से ये। और बहुत ही स्लाइटली इसको हमें सॉफ्ट हैंडेड इसको बेलना है, थोड़ा सा हम इस पर सूखा आटा लगा लेंगे। और इसको हम बेल देंगे, तो बेलने के बाद देख रहे फीलिंग दिख रही है ऊपर ऊपर पूरी, और लेयर थोड़ा सा इसमें कम आती हैं, लेकिन अगर आपको इजी और आसान तरीका चाहिए तो उसके लिए है। तो चलिए इसको सेक लेते हैं पहले। हम सेकने के लिए तवा को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। पलट के इसको पहले दो तीन बार हम पलट के अच्छे से, जब एक थोड़े थोड़े चीते टाइप के आ जाते हैं ना डॉट्स जो होते हैं वैसा हो जाएगा, फिर इसको हम पलट पलट के ऐसे सीख लेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है। ऐसे ही दूसरा पराठा बनाएंगे, सेम हम एक लोई पोर्शन ले लेंगे आटे का ऐसे, और इसको बेल लेंगे। और सेम प्रोसेस है, गार्लिक जो हमने लहसुन को भुना है उसको हम स्प्रेड कर लेंगे। और हरा पत्ता धनिया, रेड चिली फ्लेक्स और नमक सारी चीज़ें हम इसमें लगा देंगे। अब इसको फ़ैन की तरह, जैसे फैन अपन जो छोटे पे ना पेजेस के फ़ैन बनाते थे ना ऊपर नीचे पलट के, उस तरीके से इसको ऐसे पलटना है ऐसे। इसमें लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं ऐसे, और फिलिंग ही तो इसको ऊपर नीचे करके हमें ऐसे पलट लेना है। और फिर इसको खड़ा करके ऐसे रोल कर लेना है, और उसके जो लास्ट में बचेगा ना उसको नीचे की तरफ इसको सेट कर देना ताकि ये लोई बिगड़े नहीं ऐसे। अब इसको दबा देते हैं, हाथ से प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा इस पर सूखा आटा डालेंगे या मैदा, और रोटी की तरह इसको सॉफ्ट हैंडेड हम बेल लेंगे। ऐसे तो इसमें क्या लेयर्स अच्छे से दिखती हैं। और अगर इसमें आप थोड़ा सा तेल देखिए, लेयर अभी से इसमें दिख रही हैं अलग अलग बिल्कुल, तो ये आप जब इसको सेकेंगे ना तो और अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खिला खिला चाहिए तो आप इसमें बीच में तेल लगा दीजिए, कुकिंग ऑयल की ग्रीसिंग कर दीजिए ना, तो उससे और अच्छा ही निकलता है फिर ऐसे। तो चलिए इसको सेक लेते हैं ऐसे। तो दिख रहा है ना कितना टेम्पटिंग और डिलीशियस टेस्ट थी। तो आप भी इसको घर पे आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। दही लेयर कितनी अच्छी दिख रही है, और सब करते हैं गर्मा गर्म दही और प्याज को के साथ, और प्याज को हम लाल मिर्च नींबू के रस में इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। दही लेयर सब अलग अलग दिख रही है बिल्कुल ये।
थोड़ा सा प्याज। तो इस तरीके से रेसिपी तैयार होती है। तो आई होप आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे